हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम आपके लिए ऐसा नुस्खा तैयार करने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों का टूटना एक हफ्ते के अंदर रोक सकते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों को शाइनी व सिल्की बना सकते हैं, जिससे दोस्तों आपके बाल बहुत ही अच्छे थिक गाढ़े हो जाएंगे और जिससे आपके चेहरे का ग्लो बहुत ही बढ़ जाएगा। दोस्तों, जब भी आपके बाल टूटते हैं, आपके बाल शाइनी नहीं होते हैं, तो आपके फेस का ग्लो बिल्कुल ही घट जाता है, क्योंकि बाल हमारे चेहरे की शान होते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कोई एक ऐसा नुस्खा तैयार करने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को सिल्की शाइनी बना सकते हैं और अपने बालों का टूटना एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ही रोक सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और जितने भी टिप्स हम बताएं आपको सबको सही से फॉलो करना होगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आपके लिए नुस्खा और आपको बताते हैं कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला तो दोस्तों, हमें तीन चीज़ें इस नुस्खे को बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, जिसमें सबसे पहली है एलोवेरा जेल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलोवेरा जेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे भी एलोवेरा जेल निकालकर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड कर लीजिए एक साफ कटोरी में। ये देखिए गाइस, एक चम्मच एलोवेरा जेल मैंने इसके अंदर ले लिया है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है कोकोनट ऑयल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। दोस्तों, कोकोनट ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में और आपके बालों को टूटने से रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है आपके बालों का टूटना रोकने के लिए, वह दोस्तों इव्यून विटामिन ई 400 mg कैप्सूल। ये दोस्तों विटामिन ई के कैप्सूल हैं, जो आपको 20 से 25 रुपए के अंदर बहुत ही इजीली किसी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाएंगे। आपको करना ये है कि आपको एक कैप्सूल लेना है और पिंच करके इसके अंदर ऐड कर लेना है। देखिए गाइस, जो नुस्खा मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ ये बहुत ही कारगर नुस्खा है आपके बालों को टूटने से रोकने के लिए। ये देखिए गाइस, मैंने इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि आपका ये सीरम बनकर तैयार हो जाए, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बाल का टूटना बहुत ही इजीली एक हफ्ते के अंदर अंदर रोक सकते हैं और अपने बालों को शाइनी बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। अप्लाई करना बहुत ही ईजी है गाइस। जब भी आप नहाने जाएं, नहाने से आधा घंटे पहले आपको इसको अपनी फिंगर में कुछ इस तरह से लेना है और अपने बालों की जड़ों में नीचे से लेकर ऊपर तक सिरे तक अच्छे से मसाज करनी है। दोस्तों, 5 से 7 मिनट आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने से होगा ये कि आपके बालों की जड़ों में पूरी तरीके से समा जाएगा। अगर आपके बालों की जड़ों में समाएगा तो ये आपके बालों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। दोस्तों, बहुत ही कारगर और बहुत ही नेचुरल नुस्खा है ये। जब भी इसका इस्तेमाल किया गया है तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट लोगों ने देखा है। दोस्तों, ये तो रही बात आपके बालों को टूटने को लेकर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने बालों को सिल्की व शाइनी बना सकते हैं। गाइस, जब भी आप नहाने जाएं तो आप हमेशा शैम्पू का यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके बाल नहाने के बाद बहुत ही सिल्की व शाइनी दिखाई देंगे। आपको करना ये है कि नहाते समय आपको अपने बालों को कच्चे एग से वॉश करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक एग लेना है और एक कटोरी लेनी है। आपको एग को यहाँ पर छेद करके फोड़ लेना है, उसका येलो वाला पार्ट छोड़कर व्हाइट वाला पार्ट एक कटोरी में निकाल लेना है। दोस्तों, आपको अपने बालों को व्हाइट वाले पार्ट से वॉश करना है। जब भी हम अपने बालों को अंडे के व्हाइट वाले पार्ट से वॉश करते हैं तो आपके बाल एकदम से ही शाइनी हो जाते हैं, बस सिल्की हो जाते हैं, और सिल्की हो जाते हैं आपके बाल लंबे भी दिखाई देते हैं। गर्ल्स को इसका यूज़ अक्सर करते रहना चाहिए, महीने में 3 बार या हफ्ते में कम से कम 1 बार तो गर्ल्स को इसका यूज़ करना चाहिए। व्हाइट वाले पार्ट को एक कटोरे में निकाल के अपने बालों को कच्चे अंडे से ज़रूर वॉश करना चाहिए। दोस्तों, इससे आपके बाल इंस्टेंटली शाइनी व सिल्की हो जाते हैं, जिससे आपके बाल देखने में लंबे व बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि एक कैसे आप इस नुस्खे की मदद से अपने बालों का टूटना रोक सकते हैं और कैसे आप अंडे के इस्तेमाल से अपने बालों को इंस्टेंटली शाइनी व सिल्की बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये ट्रिकें पसंद आई हो तो आप इन्हें इस्तेमाल करके अपने बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, अपने बालों को शाइनी सिल्की व सुंदर बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको नुस्खा पसंद आया तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।